यार रुको रुको, ये फिर से आ जाएगा और हमसे सब कुछ छीन के ले जाएगा। आज इस रास्ते से चलो। अच्छा, रास्ता बदल के जा रहे। Oh no! Bang! Bang! अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बच्चों, आओ। क्या हुआ बच्चों, मूड क्यों आ गया तुम्हारा? सर वो निजाम। अच्छा निजाम। अरे बच्चों, इस करप्ट गंदे मैले कुचेले निजाम से तो पूरा पाकिस्तान परेशान है, लेकिन फिक्र करने वाली कोई बात नहीं, हमें इस निजाम से लड़ना है, मारना है इस सालिम करप्ट निजाम को। और निजाम से जंग वो ही करते हैं जो हिम्मत रखते हो। बल्कि आज हमारा टॉपिक ही यही है कि हमें निजाम के साथ कैसे लड़ना है, कैसे इस करप्ट निजाम के साथ जंग लड़कर इसको खत्म करना है हमने। तो ठीक है बच्चों, तुमने आज मुझसे ये अहद करना है कि तुमने इस गंदे करप्ट निजाम का खात्मा करना है। जी सर। पूरी तरह से इस निजाम को खत्म करके फिर नया निजाम पैदा करना। जी सर। वादा करो। और अब तुम लोग जाओ और कल टाइम से पहुंच जाओ। आज जो मास्टर ने कहा है वो करके दिखा रहा है। क्या तुम मेरे साथ हो? हम तेरे साथ हैं। ओके चलो। क्या है बच्चों, अब क्या है? बहुत कुछ देने आए, क्या तुम तैयार हो? अच्छा फिर जल्दी दो ना। ओह नो। राजा वाजिद ले आओ। बस प्लान बी। Plan C. Plan C के लिए तैयार हो? ओके। Plan C तैयार है? तैयार है। Ah!
अरे ये क्या कर रहे हो? अरे बेवकूफो, तुमने ये क्या कर दिया? मास्टर जी, तूने तो कहा था निजाम को खत्म करना है, हमने निजाम को खत्म कर दिया। अरे नहीं नहीं बच्चों, ये चाचा निजाम थोड़ी, मैंने कहा था निजाम सिस्टम, ये सिस्टम यानी करप्ट सिस्टम। ये रोज हमसे जुल्म करता था, रोज हमसे पैसे छीनता था, इससे और गंदा निजाम हो सकता है भला? ये चाचा निजाम है और चीज या पैसे छीनने की ये थोड़ी होती है कि आप उस बंदे को मार दो। अब क्या होगा हमारा, हम सब जेल जाएंगे। अरे ये तो जिंदा है, चाचा निजाम जिंदा है, उठाओ उसे, उठाओ, ये जिंदा है, इसके गले से फंदा तो निकालो कमीना। मास्टर जी मुझे बचा लो, नहीं चाचा निजाम, कुछ नहीं होता। सॉरी मास्टर जी, हमने समझा कि चाचा निजाम की बात कर रहे हो। मैं तुझको नहीं छोड़ना, मैं पुलिस को बता लूंगा, मैं तुम्हारे को जेल भेज दूंगा। वो सॉरी उस्ताद जी, वो मैंने बोला कि ये गंदा निजाम, वो चुप करो तुम लोग, और चाचा निजाम तुम भी चुप करो, जेल भेज दोगे। रोज रोज बच्चों से चीजें छीनते थे तुम, रोज इनसे पैसे छीनते थे, जुल्म करते थे बच्चों पे, मारते थे इन्हें, और वैसे भी बच्चों के साथ कोई ऐसा करता है? ये तुम्हारे साथ हो नहीं था, ये तो शुक्र है कि मैं वक्त पे आ गया, नहीं तो तुम ऊपर पहुंच जाते। oh, no. जान बची है तुम्हारी, अब जाओ तुम घर, जाके देगे बांटो, जाओ। और ये क्या करने लगे थे तुम लोग? वो बेवकूफ पहले समझना चाहिए कि मास्टर जी ने क्या कहा। सॉरी मास्टर जी, ये निजाम थोड़ी है, निजाम का मतलब होता है ये सिस्टम, पहले काम को समझना चाहिए उसके बाद काम को करना चाहिए। ठीक है मास्टर जी, और आइंदा अगर ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है मास्टर जी, आइंदा आप जैसे कहेंगे हम ऐसा ही करेंगे। जाओ तुम लोग दफा हो। शुक्र है मालिक का, ये चाचा निजाम बच गया, वरना तो आज हम सब जेल ही जाने वाले थे। बेवकूफ शागिर्द,